दोस्तों, मेरा बताया हुआ सिर्फ ये एक चम्मच रोजाना रात को सोने से पहले खा लीजिए, आपके शरीर में जितना भी जोड़ों का दर्द है, गठिया है, अर्थराइटिस है, या आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, आपका चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा आता जा रहा है, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, या आप पूरा दिन बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने लगा है, आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, तो ये सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा सिर्फ एक चम्मच। और ये एक चम्मच आप अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपके लिए भी। चाहे आप छोटी उम्र के हैं या फिर आपकी उम्र ज्यादा है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कोई भी इसका सेवन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप तो जानते ही हैं कि विंटर्स आने में या समर, जब भी हम सीजन बदलता है तो हमारा बॉडी जो होता है बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, हमें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को कफ बनता है या बच्चों को कफ बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस पाउडर का सेवन करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर रोज़ कुछ नया लेकर आती हूँ जो आपकी सेहत से जुड़ा होता है, जो आपकी सेहत को आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने में लाइफ में हेल्प करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जमकर शेयर करिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं मिलते हमें और आपका भी कुछ नहीं जाता, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतर लाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें इसके लिए लेने हैं 50 ग्राम अखरोट। अखरोट का बेनिफिट क्या है? अखरोट हमारे जितने भी मांसपेशियों की सूजन होती है उसको खत्म करता है। अगर हमारा पुराने से पुराना गठिया है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, उन सब तकलीफों को खत्म करता है। साथ में आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको खत्म करके आपके दिल की बहुत ज्यादा सुरक्षा रखता है, रक्षा करता है, आपका दिल ठीक से काम कर पाता है, आपके किडनी, आपके लिवर ठीक से काम कर पाता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन जो समय से पहले मुरझा सी गई है, बूढ़ी सी हो गई है, आप देखेंगे उसमें एक नई रौनक आ गई है, नई जान आ गई है। आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ से गए हैं, पतले हो चुके हैं या समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो ये सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देता है। साथ में आपके शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है। आपने लेने हैं 50 ग्राम अखरोट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अलसी के। अलसी को क्या करना है, आपने मार्केट से खरीदना है, एक कढ़ाई में उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, उसके 2 चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं। अलसी में होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो आपके बालों की बहुत अच्छी कंडीशन कर देता है। चाहे आपके बाल कितना भी पतला हो चुका है, झड़ रहा हो, सफ़ेद हो रहा हो, वो सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करेगा, ठीक है। साथ में आपकी स्किन पे एक नई रौनक लेकर आएगा, एक नई जान लेकर आएगा, रिंकल फाइन लाइंस को, यानी आपकी जो एज होती है ना उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपके चेहरे में एकदम से चमक चली गई थी वो एकदम से चमक आ चुकी है। अलसी आपके शरीर में जितना भी वेस्ट टॉक्सिंस होता है उसको बाहर निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, आपके दिल की रक्षा करता है, आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अलसी के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि अगर बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 चम्मच अलसी इसमें ऐड करिए। अब हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है चिरौंजी। चिरौंजी आपको किसी भी परचून की दुकान से आराम से मिल जाएगी। चिरौंजी का हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करना है। चिरौंजी क्या करती है, हमारे हड्डी और मांसपेशियों की जो भी सूजन होती है उसको कम करती है और हमारे डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है। साथ में हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उसको काला करती है, बालों को लंबा और घना करती है। आपने अब इसमें डालना है चिरौंजी। अब इसके साथ हमारा 4th इंग्रेडिएंट है आलमंड्स। आलमंड्स क्या करते हैं, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, आंखों को स्ट्रेंथ देते हैं, आंखों को नई ताकत देते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देते, हमारी स्किन पे एक नई रौनक लेकर आते हैं, आपकी स्किन लंबे समय तक जवान बनी रहती है, बूढ़ी नहीं होती, आपका शरीर एकदम अंदर से एक्टिव फील करता है, आपके जोड़ों का दर्द जो होता है वो बिल्कुल बादाम खत्म कर देता है। अब हमारी बारी आती है लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो है मिश्री। आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री क्या करती है, एक तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर देगी और साथ में आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपको करना है धागे वाली मिश्री का, जो आपको किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगी। आपको अब इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आपको इस पाउडर को एक कांच की शीशी में स्टोर करके रख देना है। अब आपको वो देना है रात को रोजाना सोने से पहले, यानी जब आपने खाना खा लिया
उससे आधा घंटा पहले आप एक ग्लास गर्म दूध के साथ उसको आधा चम्मच यानी आधा चम्मच या 1/4 स्पून उसको दे दीजिए। ऐसा करने से आप खुद नोटिस करेंगे इसका कॉन्फिडेंस, उसका माइंड जो पहले बहुत ज्यादा वीक था, वो चीजें लर्न नहीं कर पाता था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था पढ़ाई में, वो सब चीजें होने लगेगी, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो पढ़ता हुआ बच्चा होता है उसकी आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिससे उसकी आईसेट वीक होने लगती है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसके साथ पूरे दिन में हेल्दी डाइट को इनटेक करें, कच्ची सब्जियों का ज्यादा सेवन करें और पानी 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। वैसे भी आप जिंदगी भर सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और बेहतरीन रेमेडी के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।